तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 64 पैराबोला से। बच्चों पैराबोला का क्वेश्चन हम लोग ने आपको इतना डिस्कस करके बता दिया है कि आप किसी भी हालत में क्वेश्चन तो एग्जाम में कर ही लेंगे, अब चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। देखो बस एडवांस में क्वेश्चन लेंदी कर दिया जाएगा, कनेक्शन उसका बढ़ा दिया जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2022 का, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन एंड वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, जहां पर एम वन और एम टू बराबर नहीं है। आर टू कॉमन टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल एंड अ पैराबोला। बच्चों सर्किल और पैराबोला की कॉमन टेंजेंट्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। आप क्वेश्चंस के कंसेप्ट लगातार ऐसे दौड़ाते रहते हो कि अगर पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, जहां पे सी इक्वल टू ए बाई एम, और वही टेंजेंट अगर सर्किल के लिए भी है तो सेंटर से टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होता है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप सर्किल अगर उसका सेंटर 0,0 है तो वहां पे भी उसकी टेंजेंसी की कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो जो पैराबोला के लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, वही टेंजेंट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्किल के लिए भी है, तो आप दोनों के सी भी इक्वल कर सकते हो, तो बात एक ही आएगी। तो सी इक्वल टू ए वाई एम किसके लिए होता है? पैराबोला के लिए। तो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका सी ए बाई एम और ए की वैल्यू है 1/4। और बच्चों मैं दसियों बार आपको बता चुका हूँ कि पैराबोला में आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी याद रखना है, विच इज कॉल्ड ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। और नॉर्मल अगर होता है तो उसका भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको पता होना चाहिए, वो होता है ए एम स्क्वायर कॉमा -2am। ठीक है, उसी तरह से बच्चों ये सर्किल होता है, सर्किल में जो टेंजेंसी की कंडीशन होती है वो होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 + m²। ये बच्चों तब होती है जब सर्किल का सेंटर ओरिजिन होता है। तो हमने क्या किया, अगर टेंजेंट दोनों के लिए कॉमन है तो सी भी दोनों के लिए सेम होंगे, तो मैंने क्या किया दोनों के सी उठा करके इक्वेट कर दिए। जैसे ही बच्चों मैंने इक्वेट किए तो यहाँ पे एम में 4 डिग्री की इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक आपका एम स्क्वायर ये निकल के आया, एक आपका एम स्क्वायर ये निकल के आया, तो बच्चों ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये वाला बच्चों एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आएगी, तो एक m1 होगा प्लस के साथ, एक m1 होगा माइनस के साथ। तो आपको निकालना क्या है उसको टारगेट कर लीजिए, आपको निकालना है 8 टाइम्स mod of m1 m2। ये आप तुरंत निकाल करके आंसर अपना मैच करा लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चे ये 2022 का क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना है फाइनली।